नमस्कार, आप देख रहे हैं PC7 भारत न्यूज। खबर जनपद मिर्जापुर के हलिया से। ग्राम चौपाल में सांसद विधायक के साथ अधिकारियों ने सुनी ग्रामीणों की समस्या। हलिया विकास खंड के पिपरा गांव स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय परिसर में रविवार को ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया। ग्राम प्रधान निशा देवी ने चौपाल में आए मुख्य अतिथि राफर्ट्सगंज के सांसद पकौड़ी लाल कोल, 96 विधायक रिंकी कोल एवं CDO CLXMBS को बुके देकर स्वागत किया। सांसद पकौड़ी लाल कोल ने पिपरा गांव निवासी 3 शिशुओं CM सुनीत सूर्य प्रकाश का अन्नप्राशन व 3 गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की। कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ग्राम चौपाल में CMO PDCO आदि अधिकारियों ने अपने विभाग के योजनाओं के बारे में जानकारी दी। ग्रामीणों को दी गई जानकारी में ग्रामीण भजन ने सफाई कर्मी गांव में नहीं आने की शिकायत की CDO से, जिस पर CDO ने ADO पंचायत को सफाई कर्मी के विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया। ग्रामीणों ने एक सुर में छुट्टा पशुओं की समस्या से निजात पाने की मांग की, जिस पर CDO ने गुर्गी ग्राम पंचायत में बन रहे पशु आश्रय स्थल पर खेतों में घूम रहे पशुओं को 1 सप्ताह के भीतर इंतजाम किए जाने का निर्देश दिया। गौरा गांव के आई रोशन जहां ने गांव निवासी व्यक्ति पर जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया। आपको बता दें, इस में रावतगंज के सांसद पकौड़ी लाल कोल ने ग्रामीणों से संबोधित करते हुए कहा कि सरकार सभी से सुख शांति और समृद्धि के लिए कृति संकल्प है। मौजूदा अधिकारियों में से कहा कि सरकार की सुविधा जन जन तक पहुँचाया जाए। समूह की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार तमाम प्रयास कर रहे, जिससे कि आर्थिक रूप से सशक्त बन सके। सांसद ने ग्रामीणों को शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क, पेयजल तथा अन्य योजनाओं को लाभ दिलाने के लिए अधिकारियों को निर्देश किया। 96 विधायक रिंकी कोल ने कहा कि चौपाल में के माध्यम से मिली शिकायतों का आवास, शौचालय, पेंशन, राशन कार्ड आदि से वंचित लाभार्थियों को योजना का लाभ दिया जाएगा। सांसद पकौड़ी लाल कोल व विधायक रिंकी कोल ने प्रधानमंत्री आवास के 10 लाभार्थियों को प्रतीकात्मक चाबी देकर आवास प्रमाण पत्र दिया। वहीं पर वृद्धा पेंशन 7 व शौचालय के 10 लाभार्थियों को स्वीकृति प्रमाण पत्र भी दिया। 5 आयुष्मान कार्ड लाभार्थियों को प्राकृतिक आयुष्मान कार्ड का भी दिया गया। इस दौरान सांसद प्रतिनिधि धनंजय पांडे, विकास सोनकर, ADM वित्त राजस्व शिव प्रताप शुक्ला, CMO CL वर्मा, DPD आदि लोग मौजूद रहे। आप देख रहे हैं PC1 भारत। समय संवाददाता की खास रिपोर्ट देखते रहे PC1 भारत न्यूज नेटवर्क। मैं ग्राम प्रधान हलिया और प्रधान अध्यक्ष हलिया। सर, आज यहाँ पर आपके यहाँ चौपाल लगाया गया, जनपद स्तरीय सभी अधिकारी आए थे, क्या इस तरीके से चौपाल से कुछ लाभ होगा? जी बिल्कुल लाभ होगा, और जहाँ हम पूरी तरह लाभ नहीं पहुँचा सकते, लोगों एक साथ पूरी तरह समस्याओं का हल नहीं किया जा सकता, लेकिन इस तरीके से चौपाल लगने से जो लोगों को परेशानियाँ होता है कि इस विभाग में जाइए, दूसरे विभाग में जाइए, जो दौड़ा दौड़ी होती है, तो सारी विभाग एक जगह एकत्रित होते हैं और एकत्रित जगह पर सब लोग आते हैं और अपना जो भी समस्या है उसे रखते हैं और तत्काल एडवांस उस पर काम किया जाता है। तो आवास और शौचालय की काफ़ी समस्याएं आई, क्या कहना चाहिए? आवास प्लस प्रधानमंत्री वाले वो समुचित इस ब्लॉक में पूरे कर लिए गए हैं। अभी नई सूची की ऊपर से कोई मांग नहीं आया है प्रधानमंत्री द्वारा। अगर ऐसे भविष्य में मांग होती है तो निःसंदेह सभी ग्राम पंचायत और अधिकारी कर्मचारी मिलकर हम लोग पात्र की सूची बनाकर उनको आवास आवंटित कराएंगे। जनपद का अब पिछड़ा इलाका माना जाता है और सबसे बड़ी समस्या पानी की समस्या आई। जी, क्या लगता है कि पानी की समस्या दूर हो पाएगी? हाँ, अगर यह नल से कल योजना से अंतर्गत सबको कनेक्शन मिले और सुचारू रूप से अगर इसको क्रियान्वित करा लिया गया भारत सरकार द्वारा, तो निःसंदेह यह हमारे क्षेत्र के लिए अमृत होगा। तो ये आज पिपरा में है और इसके बाद मतवार में है, दोनों जगह ऐसी स्थिति है कि मतलब सरकार की योजनाएं बहुत रेयर पहुंच पाती हैं। जी बिल्कुल, हम लोग प्रदेश के एक कोने में बसे हुए हैं जहां संपूर्ण तरीके से शिक्षा का बड़ा अभाव है और हमारे के यहाँ शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग थोड़ा मारी मारा है। लोगों को सही जानकारी है नहीं, लोग शिक्षित है नहीं, तो उसका भी ये कहीं ना कहीं कमी है हम लोगों में कि हम लोग शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं, या व्यवस्थाओं को लेकर या किसी भी तरीके से अगर यहाँ शिक्षा की व्यवस्थाएं अच्छे सुचारू रूप से की कर दी जाए तो निसंदेह हमको जो पीछा पीछा किया जाता है वो हो जाएगा। रोड बान पानी को संकट बा। क्या नाम है आपका? राजकली प्रजापति राम मरिया, पति का नाम विजय। आप अपनी समस्या यहाँ पर देख रहे साहब, पेपर में लिख के दिया गवा, नाम नहीं बुलावा गवा। और अपनी अपनी समस्या बताएंगे।
थोड़ा समय लगता है समस्या पूरी होने में। जमीनी मैटर है, इसके लिए मैंने SDM साहब से बोला था हो जाएगा, उसका भी नियम कानून होना होगा, नहीं होता है और हम भी लगे हुए सहयोग में, ऐसा नहीं है। और आप इस कह रहे थे कि मेरा फोन नहीं उठता रात को, देखिए हमने खाता।